हेलो गाइस, दिस इज धीरेन्द्र फ्रॉम dkmaptech.com। फ्रेंड्स, आज वीडियो एडिटिंग के इस एपिसोड में हम जो सीख रहे हैं वो कैमटेक्स स्टूडियो 8.6 है, जो सॉफ्टवेयर हम यूज़ कर रहे हैं। फ्रेंड्स, तो आज के इस एपिसोड में सीखेंगे कि हम स्क्रीन को कैसे रिकॉर्ड कर सकते हैं, अपने कंप्यूटर की स्क्रीन को कैसे रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो चलिए, जैसे फ्रेंड्स आप अपने गाइस, जैसे हम इस सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं तो यहाँ पे देखिए एक पॉपअप बॉक्स खुल के आता है और ये नीचे इसका सॉफ्टवेयर है। तो हमें स्क्रीन रिकॉर्डिंग करनी है तो यहाँ पे रिकॉर्ड द स्क्रीन करेंगे या फिर रिकॉर्ड द स्क्रीन यहाँ पे करें, दोनों जगह कहीं से भी कर सकते हैं। अगर हमें वहाँ से करना है तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या करना होगा, हमें इसको क्लोज़ कर देना होगा। तो चलिए, हमें स्क्रीन रिकॉर्ड करनी है, कैसे करना है तो देखते हैं। रिकॉर्ड द स्क्रीन पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो फ्रेंड्स यहाँ पर एक सबसे बड़ी चीज़ ये है, आप यहाँ पर देख रहे होंगे, ये आपको जो ये दिख रही होगी कि मतलब जितना आपका सिलेक्शन है, यहाँ पे एक चीज़ आप देखिए फ्रेंड्स, जो यहाँ पे दिया हुआ है कि कितना एरिया आप कस्टम करेंगे तो आपका जितना सिस्टम होगा सिस्टम की रेजोल्यूशन के अकॉर्डिंग से ये ले लेता है। फुल स्क्रीन करेंगे तो फुल स्क्रीन ले लेगा, कस्टम पे आएंगे तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपसे पूछ रहा है 720p HD करना है या फिर आपको 480p करना है, जिस हिसाब से आपको जो करना है वो रेजोल्यूशन अपने सिस्टम के अकॉर्डिंग से सेलेक्ट कर लेंगे। बट हम यूट्यूब के लिए ले रहे हैं तो यहाँ पे 720p HD करेंगे, 16:9 का, ठीक है। तो आप सबसे अच्छा रहेगा कि आप यहाँ पे ये फुल स्क्रीन पे क्लिक करिए और फुल स्क्रीन पे ऐसे क्लिक करेंगे तो ये आपकी जितनी भी स्क्रीन होगी स्क्रीन के अकॉर्डिंग से ले लेता है। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो अब क्या करना है फ्रेंड्स, अब जैसे हमने वहाँ पे स्क्रीन पे क्लिक करने के बाद में, अब फिर देखिए दोबारा हमें फिर रिकॉर्ड अगर करना है इसको तो यहाँ पे रिकॉर्ड पे क्लिक करेंगे, जो आपका रेड बटन है यहाँ पे, जैसे ही करेंगे तो ये प्रेस F10 बोलेगा स्टॉप करने के लिए। तो इंटरफेस होता है वो ये है, ऐसे ओपन होके आता है जैसे आप रिकॉर्ड द स्क्रीन पे क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं ये रिकॉर्ड हो रहा है। यहाँ पे भी एक ऑप्शन आता है, तो ऐसे करके आपकी रिकॉर्डिंग होती है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे रिकॉर्डिंग स्टार्ट है इसी सॉफ्टवेयर से। तो चलिए, कुछ चीज़ें हमने पहले ऑलरेडी, जैसे कि फर्स्ट एपिसोड था वो हमने रिकॉर्ड किया था, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फाइल कैसे इम्पोर्ट करना है तो देखिए, यहाँ इम्पोर्ट मीडिया पे आएंगे और इम्पोर्ट मीडिया पे आने के बाद में जब आपकी आपकी फ़ाइल पड़ी है वहाँ पे आएंगे, जैसे कि हमने उसको रिकॉर्ड कर रखा है, यहाँ पे आएंगे और ये देखिए टेक रिकॉर्डिंग, इसका जो एक्सटेंशन है TREC है, तो इसको सेलेक्ट करेंगे और ओपन करेंगे तो ये देखिए यहाँ पे ओपन हो चुका है। अब फ्रेंड्स यहाँ पे ओपन होने के बाद में अब फ्रेंड्स क्या करना है, अब इसको हमें यहाँ पे दिखाना है इसका प्रीव्यू कैसे देखना है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, सबसे पहले हम फाइल को ओपन करते हैं, ओपन करने के बाद में उसको ट्रैक पे ले आते हैं, टाइमलाइन जैसे बोल सकते हैं आप इसको, राइट क्लिक करेंगे ऐड टू टाइमलाइन एट प्ले हेड, ये इसकी टाइमलाइन होती है। यहाँ पे देखिए जैसे हमने टाइमलाइन पे ऐड हुआ तुरंत इसका प्रीव्यू भी यहाँ पे आ गया फ्रेंड्स। तो देखिए यहाँ पे दोनों चीज़ें फ्रेंड्स आ चुकी हैं। आप यहाँ पे इसका देखिए ऑडियो का फर्स्ट ट्रैक पे इसका ऑडियो है, सेकंड ट्रैक पे इसका जो वीडियो है, तो इसने अलग अलग करके बिल्कुल दोनों चीज़ें फ्रेंड्स यहाँ पे दे दी हैं। आप इसको प्ले करना चाहते हैं आप प्ले कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ऐसे करके हम इसको प्ले भी कर सकते हैं, तो ये काफ़ी ईजी है फ्रेंड्स। तो मेरे हिसाब से इसमें आपको स्क्रीन कैसे रिकॉर्ड करनी है ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम आपकी प्रॉब्लम का सलूशन जल्दी से जल्दी करने की कोशिश करते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और इसी को आगे बढ़ाते हुए, चलिए मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।